आखिर क्यों मोदी सरकार राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट अपने आप को दे रही है? 20 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। इस आंदोलन में बीजेपी ने क्या क्या खोया है? 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएं। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष कैसे फंस रहा है बीजेपी के जाल में? तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन को कौन रोक रहा था? 2016 के बाद कैसे खुली राह? क्या राम मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी सच में इस क्रेडिट की हकदार है? ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो अंत तक देखिए। बीजेपी राम मंदिर बनने का श्रेय कैसे ले रही है? रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाकर कहा के तौर पर जागरण ने एक दिन छापा कि रामलला की पूजा के लिए जोधपुर से पहुंचा 6 क्विंटल देसी घी। जोधपुर से बैलों के 5 रथों पर देसी घी कलश में भरकर लाया गया। उस दौरान राजस्थान में चुनाव हो रहे। इनके कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में भी बीजेपी ने चुनाव के दौरान राम मंदिर के मुद्दे को बहुत बुनाया और इसीलिए बीजेपी राजस्थान में जीत गई। इसके अलावा आगे रवीश जी कहते हैं, दैनिक भास्कर के विजय उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अयोध्या हिंदू धर्म की थीम पर सज गया है। हिंदू धर्म की थीम इस वक्त जो अयोध्या में हो रहा है उसके लिए शायद यह सटीक पंक्ति लगती है। 13 किलोमीटर लंबे राम पथ पर दोनों तरफ की जो दुकानें हैं उस पर जय श्री राम और सीता राम लिख दिया। अर्थात जो कुछ भी अयोध्या में चल रहा है उससे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय अखबार, न्यूज़पेपर्स, मीडिया मोदी सरकार के विरोध में भरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हर जगह राम मंदिर का नाम फैल रहा है, लेकिन 2010 में यही रवीश कुमार राम मंदिर जी की नगरी और सरयू नदी की बेहद खराब हालत को कवर करते हुए ऐसा कहा करते थे। राम की पैड़ी, हरे रंग का पानी, या तो एक्वेरियम में दिखेगा या फिर गंदगी के पुण्य प्रताप। लेकिन आप देखिए कि सरयू का पानी यहाँ लाना था और यहाँ से उसे निकालना था, लेकिन अब ये पानी पूरी तरह से और आज जब हर कोई अयोध्या जी के बारे में लिख रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इन्हें बुरा भी लग रहा है, जिसकी एक वजह तो ये खुद भी बता रहे हैं कि इस मुद्दे से सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या बीजेपी सच में इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 25 दिन पहले मोदी जी ने अयोध्या में रोड शो कर दिया। अब यहाँ पर पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी थी। यहाँ भाषण दिया और लोगों को 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाने का आह्वान किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को वहाँ पर एक भाषण भी दिया जाएगा और रवीश जी इस बात से बहुत दुखी है। चाहे रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब जगह हर चीज़ को भव्य बना दिया गया है, हर चीज़ को राममय करके सजा दिया गया है। यहाँ तक कि निजी संस्था भी अयोध्या जाने वाली फ्लाइट्स में इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं। और इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवाली के दिन भी की जा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने आने वाले चुनावों का फायदा लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा को चुनावों के नज़दीक रखा ताकि उन्हें फायदा मिल जाए। कई पत्रकार लोगों से पूछने गए कि राम मंदिर का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मंदिर किसने बनवाया, तो लोग भी सरकार को ही श्रेय दे रहे थे। पत्रकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग इसका सारा सरकार को ही श्रेय दिए जा रहे थे। जरा सुनिए इस क्लिप को। बहुत खुशी हुई है कि बहुत सालों बाद मंदिर का निर्माण हो गया। तो कोर्ट ने किया, सरकार तो भाई इन्हीं की। सरकार का कोर्ट में क्या लेना? देखो जनता जी को याद रखा तो पार्टी की कहती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे उद्घाटन किया है मोदी जी ने। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और इस चीज के लिए हम धन्यवाद। पर इसी के उलट जब मामला कोर्ट में था तो बीजेपी को ये कहकर घेरा जा रहा था कि मंदिर तो वही बनाएंगे लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। वही बनाएंगे मंदिर, वही बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। मंदिर और आज जब मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ चुकी है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि राम मंदिर को एक इवेंट बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा। खैर
ये सब कुछ छोड़िए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राम मंदिर का इतिहास क्या था और कैसे राम मंदिर यहाँ तक पहुँचा कि आज ये बन रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को गिरवा कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी, लेकिन इससे पहले की बात बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश अयोध्या में बहुत सारे मंदिर बनवा चुके थे। उन्होंने श्री राम का मंदिर भी बनवाया था और अकेले अयोध्या में सीताराम के लगभग 3000 मंदिर थे। और उसके बाद कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक काफ़ी सारे मंदिरों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए। उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया और आने वाले कई सालों तक यहाँ पर ये मंदिर यूं ही बने रहे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुँच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वा दिया था और उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई थी, जिसके बाद बाबरी मस्जिद के नाम से इसे जाने जाने लगा। और बस तभी से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में उस जगह को लेकर पहले से ही काफ़ी विवाद चलता आ रहा था। उसके बाद हम आते हैं 1985 से 1992 का समय। ये एक ऐसा समय था जो यदि नहीं होता तो शायद आज नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। 1949 में कुछ हिंदुओं ने भगवान राम की प्रतिमा को बाबरी ढांचे में प्लेस कर दिया था और क्लेम किया गया था कि प्रतिमा ने स्वयं वहां पर अवतार लिया है और हजारों की संख्या में राम भक्त वहां पर आने लगे थे। विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और सरकार ने उस भूमि को विवादित स्थल करार कर दिया था और वहां पर ताले लगा दिए थे। अब 80 के दशक आते आते शाह बानो केस में राजीव गांधी की भारतीय सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे और बस उसके बाद पूरे हिंदू समाज में ये संदेश चला गया कि जो सरकार है केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण में लिप्त हो गई है। अब हिंदुओं को इस सदमे से राहत देने के लिए बाबरी ढांचे के तालों को खोल दिया गया 1985 में और टीवी पर रामायण महाभारत के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिससे थोड़ा सा हिंदू नेशनलिज्म का माहौल बन गया था, जिसका लाभ केवल और केवल संघ के परिवार को मिला। उसके बाद 1989 आ गया, जिसके बाद 13 जनवरी को ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए हिफाजत दस्ते बनवाने की घोषणा कर दी और इसका उत्तर देने के लिए कुंभ के मेले का प्रयोग किया गया और 1 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद संत सम्मेलन ऑर्गेनाइजेशन किया और वह उसके बाद राम मंदिर शिलान्यास की घोषणा कर दी गई। अब एकादशी के दिन जब बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं से अयोध्या भरा हुआ था, तब बीजेपी ने इस प्रोग्राम को चलाया शिला पूजन और शिला यात्रा का। लाखों की संख्या में गांवों और घरों से श्री राम लिखी हुई ईंटें और शिलाएं पूजा के बाद अयोध्या पहुंचने लगी, क्योंकि वो प्रोसेसिंग बनने के बाद इन ईंटों से मंदिर का निर्माण होने वाला था। अब एक छोटे से मूवमेंट से राम जन्मभूमि आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया था। भागलपुर और बिजनौर जैसे स्थानों पर तो दंगे भी हुए थे। जब राम शिलाएं इन जगहों से निकली तो ये वो समय था जब भाजपा ने अपनी दिखावटी सेक्युलर छवि को छोड़ दिया था और पूरी तरह हिंदुत्व के रंग में रंगने लगी थी। हेगड़े वार्ड का जन्म शताब्दी के दिन अटल जी ने भाषण दिया और कहा कि राम जन्मभूमि मुद्दा चुनाव का मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई और बस उसके बाद अल्पसंख्यकों को वार्ड कर दिया गया। सब कुछ हो जाने के बाद भारत की राजनीति में राम मंदिर के मुद्दे को इग्नोर करना बिल्कुल असंभव सा हो गया था और उसके बाद 1989 के इलेक्शंस में बीजेपी 2 सीटों से सीधा 85 सीटों पर पहुंच गई और ये कारण था राम मंदिर का। उसके बाद सितंबर से शिला पूजन आरंभ हो चुका था। भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार दंगे काफ़ी बढ़ने लग गए थे, लेकिन कांग्रेस शिला पूजन को किसी भी हालत में रोक नहीं सकती थी क्योंकि अब वो हिंदुओं की नाराजगी से डर गई थी। 13 अक्टूबर 1989 को संसद में पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया और सरकार से डिमांड की गई कि शिलान्यास को रुकवा दिया जाए और बीजेपी को भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। फिर 2 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने स्थान विशेष पर कब्जा कर लिया और उसके बाद शिलान्यास कर दिया। इसके बाद रथ यात्राएं निकाली गए और एल के आडवाणी द्वारा सितंबर के महीने में 1991 में, जो कि अक्टूबर तक चली थी, यात्रा को शुरू कर दिया गया। भारत के अनेक हिस्सों से अनेकों रैलियां निकली, भारत में बहुत सारे कार सेवक भी जुड़े। वो कार सेवा रोकता नहीं है, सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे,
उसको कौन रोकेगा। देखते ही देखते 1996 तक राम मंदिर के मुद्दे पर सवार भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने लगी थी। भारत के लोगों के पास कांग्रेस का विकल्प ढूंढने के लिए एक और पार्टी भी थी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में भारत को पहला बीजेपी द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री मिलता है। लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई थी। सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट से उसमें हार जाती है और उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से एचडी देवगोंडा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद भारत की राजनीति काफी शांत हो जाती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत के आजाद होने के बाद कोई नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना है। अब सब कुछ शांत चल रहा था। फिर 2001 आता है, मोदी गुजरात के सीएम बन जाते हैं और वहां पर सब शांति से चल रहा होता है। लेकिन 2002 में वहां से अयोध्या के लिए साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर कार सेवक आ रहे होते हैं और गोधरा में उस ट्रेन में आग लग जाती है। अब आग लगने की वजह से 60 कार सेवकों की मौत हो जाती है और फिर गुजरात में दंगे भड़क जाते हैं। अब इन दंगों के बाद अटल जी ने मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाने के लिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ऐसा बताया जाता है कि 2002 की इस घटना की वजह से अटल जी मोदी जी को उनका टर्म खत्म होने के बाद हटाना चाहते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मान लो अगर मोदी गया तो गुजरात भी गया, उन्हें हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद अटल जी रुक जाते हैं। अब 2004 आता है, राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में तो था लेकिन भाषणों में कमी दिखाई देता था। 2004 में भाजपा चुनाव हार जाती है, 2008 में कांग्रेस चुनाव दोबारा से जीत जाती है। अब सब कुछ एकदम शांत चल रहा था, राम मंदिर का नाम कहीं पर भी नहीं था। अब मामला काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ था। 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में राम मंदिर को फिर से बनाने का काफ़ी प्रयास किया जाता है, पर बीएचपी की वो रैली असफल रह जाती है। लोगों को लगने लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा अब बस ख़त्म ही होने वाला है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। लेकिन नहीं, 2014 आता है और 2014 के बाद तो क्या हो रहा है वो तो हम आगे देख ही रहे हैं। 2014 में जब पहली बार मोदी की सरकार बनी थी तो इन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा छेड़ा नहीं, एकदम शांति बना के रखी। लेकिन 2019 में जब एक बार दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी तो अपने टर्म के शुरू होते ही 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट से फैसला निकलवा लिया गया और कोर्ट का फैसला आते ही 6 महीने के अंदर अंदर राम मंदिर के बनने की घोषणा भी कर दी गई थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे रास्ते में, इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा रोड़े कहाँ कहाँ पर अटकाए गए। तो अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए दिखते हैं कि राजीव गांधी ने जो मंदिर के ताले खुलवाए थे वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जयराम रमेश मंदिर के ताले खुलवाने को अपने सबसे बड़ी गलतियों में से एक बताते हैं। क्या हमसे भी हुई है आशुतोष, ऐसा नहीं है कि हमने गलती नहीं की। शाहबानो जजमेंट देखिए या जो ताले खुलवाए गए अयोध्या में। और उसके बाद जब आडवाणी जी अपने रथ यात्रा को स्टार्ट करने ही वाले थे तो उनके अनाउंसमेंट के तुरंत बाद और यात्रा शुरू होने से तुरंत पहले यानी कि 18 सितंबर 1991 को कांग्रेस ने एक और कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से कोई भी हिंदू अपने मंदिरों को क्लेम ना कर पाए। और बस आज तक ज्ञानव्यापी हो या मथुरा हो, सब जगह यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे बड़ा एक रोड़ा बना हुआ है, सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। कांग्रेस ने जुलाई 2008 में जब इनकी सरकार थी तो कोर्ट में कहा था कि राम सेतु तो राम जी ने खुद ही तोड़ दिया था, कौन सी रामायण में लिखा हुआ है ये तो उन्हें खुद भी नहीं पता है। और दूसरी ओर एक एफिडेविट देकर कांग्रेस ने कोर्ट में ये भी कहा था कि वाल्मीकि जी की रामायण हो या तुलसीदास जी की रामचरित्र मानस, कोई भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि राम जी सच में एग्जिस्ट किया करते थे, ये तो सिर्फ हमारे लिटरेचर का एक हिस्सा है ना कि हमारे इतिहास का। अब ये बात भारत की सरकार जो कि मनमोहन जी की सरकार थी, भारत के कोर्ट में कह रही है, ये उनका स्टैंड था। भारत की सरकार का भारत में उस समय हिंदू लोगों के प्रति ये स्टैंड था कि राम जी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब उसके बाद आज तक भी कांग्रेस के लीडर्स इस प्रथा को निभाते आ रहे हैं। कांग्रेस में अनेकों ऐसे लीडर्स हैं जो कि कहते हैं कि हमें राम से घृणा है। थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी के गुरु सैम पिट्राडो, उन्होंने कहा था कि पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि में दिया जलाओ इन सब में ही लगा हुआ है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है ये सब कुछ देखकर। जिस पर कांग्रेस को अल्टीमेटली क्लेरिफाई करना पड़ा था कि सैम पिट्राडो का कांग्रेस के पद तो ये रखते हैं लेकिन वो पार्टी की ओर से कुछ नहीं कह रहे थे, ये उनके खुद के निजी विचार थे।
आज हमने देखा कि कैसे राम मंदिर के इशू ने बीजेपी को बिल्कुल गिरा ही दिया था और ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद कैसे उन्होंने रिवाइव किया। उसके बाद हम अगर थोड़ा आगे देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि कल्याण सिंह उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय जब कल्याण सिंह से पूछा गया कि क्या जो लोग बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा रहे हैं उन पर गोली चलानी चाहिए थी या नहीं, तो कल्याण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। सरकार के गृह मंत्री श्री एस सी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चला। और बस इसी कारण की वजह से केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कल्याण सिंह थे उनकी सरकार को गिरा दिया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके अलावा भारत के 4 दूसरे राज्यों में और बीजेपी का शासन था, वहां की सरकारों को भी गिराकर वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और इस तरह बीजेपी ने जो इतने वर्षों की मेहनत की वो एक ही चुटकी में ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर जीरो हो गया था। राम मंदिर के नाम पर भाजपा के सर पर हमेशा से ही एक रिस्क तो रहा ही है, उनकी काफ़ी सरकारें गिरी भी है राम मंदिर के नाम पर। तो यदि आज बीजेपी पॉलिटिकली इस मुद्दे का लाभ लेने की कोशिश कर भी रही है तो ये मौका शायद विपक्ष ने उनको दिया है राम मंदिर के मुद्दे पर घेर घेर कर। बीजेपी अब तक हिंदुत्व के कई मुद्दों पर सफल नहीं रही है, CAA जैसे मुद्दे उनके प्रमुख है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर पॉलिटिकली रिस्क और हानि झेलने वाली ये पार्टी केवल बीजेपी ही थी। तो यदि आज उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी रहा है तो ये वो डिजर्व करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आगे वीडियोज़ ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।